तो फिर तांबिया ना गंदा हो जाएगा। मुझे याद है कि हमारे पास ये है, हम इसमें जला देते हैं। अब हम इसमें रखते हैं ये खा पिए, और ये लकड़ी की भी जला सकते थे आग पर, ये दाग कहते हैं इसकी सही होती है मच्छरों के लिए, तो हमें तो मच्छर भगाने हैं, तो इस वजह से हम इसकी आग जला देंगे। और इसके नीचे हम पहले ये रखते हैं, रख लिया पूरा सेट करके। अब मैं आग लगा दूँ, माचिस को मैं लगाता हूँ इसमें, और यहाँ से हम चलाते हैं तीली, और ये हमने आग लगा दी। चलो भी, और ये मैं थोड़ा गलत किया, मुर्गी हमारी बैठी थी और मैंने बिल्कुल पास रख दिया, मैं यहाँ से उठा देता हूँ। आग बुझ गई क्योंकि मैं वहाँ से उठा के लेके आया था इधर, तो अब तोड़ा मैंने रखा है, तोड़े को लगाते हैं आग। अब लगी सही आग, साथ ही हम और रख देते हैं। दोस्तों इसे मैंने इसमें रख दिया और अपनी दोनों बीमार मुर्गियों को मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ से अब निकाल लेता हूँ इन्हें। चलो भी आ जाओ, और दरवाज़ा उतार देता हूँ, और ये प्लाई भी इसमें से निकालता हूँ, प्लाई को आग ना लग जाए। और ये दरवाज़ा उतार लिया मैंने, दरवाजे को और प्लाई को निकाल के मैंने यहाँ रख दिया, और मुर्गा ऊपर देख रहा है। और एक चीज़ नोट करें, ये वाला जो रेत है ये रेत साफ़ है, और जो ये रेत है ये थोड़ी गंदी रेत है। ये देखें, यहाँ पर हॉस्टल में मुर्गियाँ थी, यहाँ पर असील मुर्गा था, तो ये अब आ गई हैं बाहर, और अब हम आग रखते हैं अंदर। और ये मैंने आग रख दी अंदर, और मुर्गी अंदर से आ रही है, दरवाज़ा मुझे लगाना पड़ना क्योंकि इस तरह तो हमारी मुर्गियों को ना कुछ हो जाए, और ये भला चूँच मार दें आग में। चलो बाहर निकलो। आग पड़ी थी, पालक के डंडल थे, तो ये मैंने ला के इन्हें डाल दिए, और ये खा रहे हैं बड़े शौक से। अब इस यहाँ से हम निकालते हैं, ऊपर वाले में धुआं देते हैं, और इन्हें ताड़ते हैं। तां भी मैं पकड़ लूँ, तां भी बेफजूल पड़ा होगा इधर, इसे पकड़ता हूँ नीचे लेकर चलता हूँ। इस वाले में पालक लाया था, नीचे ले जाता हूँ। और ये दोस्तों अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, काफ़ी इधर धुआं हो गया, उसे निकालता हूँ बाहर। ये यहाँ पर रख दी, और इसे निकालते हैं बाहर, और ये भी गर्म हो गया। और प्लाई लगा दें, और ये दोस्तों दरवाज़ा भी लगा दिया और प्लाई भी लगा दी, और बिल्ली हमारी ये छत के ऊपर चढ़ गई। चलो 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 चलो, ये जा ही नहीं रही, एक गई है, बाकी भी जाएंगे इसके पीछे। चलो 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 चलो, और ये इनको भी बंद कर दिया, सील को मैं ऊपर से ले आया हूँ, नीचे इसमें कर दिया मैंने बंद। और अभी हमारी सिर्फ एक ये मुर्गी बाहर है, और एक वो मुर्गी बाहर है, और अब इनका खोलते हैं दरवाज़ा, ये बाहर आए, और ये थोड़ा सा ना पीछे करके अब आएंगी ये बाहर। चलो अभी आ जाओ बाहर। और ये लड़े ना बस, और कुछ नहीं, और अब मैं ज़रा उठा के वो अंदर रख दूँ, और उतनी देर ये लड़े ना, थोड़ी देर बस ना लड़े। फिर मैंने आग को अंदर रख दिया, अब थोड़ी देर इसमें रखूँगा, थोड़ा ये धुआँ बने और मच्छर भागे यहाँ से भी, और इसमें नहीं रखूँगा क्योंकि मुर्गियाँ हमारी बैठी हैं, फिर ये परेशान होंगी, और थोड़ा बहुत धुआँ गया। और एक काम मैंने और किया है, दरवाज़ा नहीं मैं खोल सकता अभी क्योंकि मैंने ये लॉक के साथ ही ये स्टिक लगाई है। काम ये किया दोस्तों कि मुर्गी नहीं बैठ रही थी, वो जगह इसकी चेंज हुई है ना, तो वो नहीं बैठ रही थी, फिर मैंने ऊपर टोकरी रख दी है,
और मुझे लग रहा था आपका शोर नहीं आया, तो ये दरवाजे के पास आ जाती थी, बाग बाग के दरवाजे के पास आ जाती, जिसके मैं टोकरी रख दी है। और अब उम्मीद है कि बैठी होगी, अभी हम थोड़ी देर बाद खोलेंगे फिर देखता हूँ आपको भी दिखाता हूँ। इतने खुले काफ़ी देर हो गई है और जो आग जल रही थी वो भी बंद हो गई अब, और मैंने यहाँ से उठा के अब यहाँ पर रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मच्छर आया था, तो मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया, और अभी थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा बस, तो अब इसे उठाते हैं और ये अब ख़त्म है। तो ये हमारी मुर्गियाँ जो है इन्हें अब बंद करें, दरवाज़ा खोल देते हैं, अब ये खुद ही चली जाएंगी अंदर, क्योंकि अब सही दोपहर है और अंदर ही जाना ज़्यादा पसंद करेंगी। और ये दोस्तों इन सबको मैंने पकड़ के बंद कर दिया, और अब जो हमारी दो मुर्गियाँ बीमार, इनकी काफ़ी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, गोलियाँ शोलियाँ खिला रहा हूँ, थोड़ी सी बेहतर है, ज़्यादा नहीं, मैं चाहता हूँ कि जैसा पहले थी वैसे फिट हो जाएं। इन्हें मैं पकड़ता हूँ और इन्हें इन्हीं के खुट्टे में रख देता हूँ, क्योंकि अब धुआँ ख़त्म हो गया। तो ये दरवाज़ा खोलता हूँ, ये मुर्गी को पकड़ता हूँ और ऐसे अंदर रख देता हूँ। और ये असील को मैं रखा था ना इसके अंदर, और असील ने देखो जाली सारी ख़राब कर दी, क्योंकि लड़ रहा था असील, अब ये ना कहीं लड़ें, क्योंकि कल भी ये लड़ा था तो इसने इसकी कलगी ख़राब कर दी थी, और ये मेरे लिए काम इन्होंने बढ़ा दिया। यहाँ पर एक सुराख हो गया यार, इसे भी पकड़ लिया, और ये अब जाएगी अंदर, ये लो भी इसे देख लें दोस्तों, जो हमने मुर्गी रखी हुई थी ना उसे देख जाता हूँ कि वो क्या कर रही है। दरवाज़ा खोलते हैं और वो मुर्गी बोलेगी ज़रूर। ये भी बोल रही है और ये भी बोल रही है, और यहाँ से हम ये उठाते हैं और ये मुर्गी बैठी है, बस अब ये बैठी रहे, टोकरी में निकालता हूँ बाहर और थोड़ी देर इधर ही रहूँगा कि मुर्गी बस उठे ना, जल्दी आ जा टोकरी तू बाहर, क्योंकि ये मुर्गी ना थोड़ी खाने पीने की ज़्यादा शौकीन है, ये वाली मुर्गी तो ये खाने को देख के उठ जाती है, और ये बाजरा पड़ा हुआ इसे देख के ही उठना जाए। तो अब करते हैं दरवाज़ा बंद, ये दोनों ही एक जगह बैठी रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और लॉक लगाते हैं और यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर देखते हैं इन्हें ये क्या करते हैं, क्योंकि वो मुर्गी ने गर्दन को मारना शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में दूर से बैठ के देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, पास से तो वो फिर शायद मेरी वजह से ना उठे या मेरी वजह से उठ जाए। और मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, आपको नहीं नज़र आ रहा होगा पर मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा क्लोज़ करता हूँ शायद नज़र आ जाए, फिर भी नज़र नहीं आ रहा जाली में से, लेकिन नज़र आ रहा है मुझे, वो बैठी हुई है अभी भी बैठी है। मुर्गी उठ गई है, वो अंडे नज़र आ रहे हैं और ये चहलकदमी कर रही है, ये देखो, पर मैं दूर ही रहता हूँ, शायद जाके दोबारा बैठ जाए। मुर्गी ने तो शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर ये भी शोर मचाना शुरू कर दिया, मुर्गी को निकाल देते हैं बाहर, देखते हैं इधर अंडे पड़े उनका क्या करती है वो, तू आ जा बाहर, चलो पीछे चली गई है, अब ये दोनों ही बाहर हैं, तो अब ये जाए अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं क्या कर रही है ये। और ये दोस्तों मैंने दोबारा कोशिश की कि शायद ये बैठ जाए मुर्गी, पर ये नहीं बैठी, ये नकली अंडों के ऊपर जाके बैठ गई थी, इधर मैंने रखा और ये नहीं बैठी, तो मैंने अब सोचा कि यहाँ से हम अंडे उठाते हैं और जहाँ ये बैठ रही है उधर ही रख देते हैं, तो शायद इसे जगह वो पसंद आ गई है, तो अब मैं ईंटें वगैरह उधर लगा दूँ और मुर्गी को उधर बैठा देते हैं और अंडे भी रख देते हैं। दोस्तों अंडे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं इसके खुड्डे में, और एक अंडा असलो अपने ना और दे दिया था, तो वो भी मैंने अंडा साथ रख दिया, अब अंडे साथ हो गए हैं। तो अब ये मुर्गी ये देखें बिल्कुल ये आगे खड़ी है कि मैं बाहर निकलूँ और यहाँ के बैठे, और मेरे निकलने के लिए मुश्किल है, मैं इसे रास्ता देता हूँ फिर अंदर जाए और मैं बाहर निकलूँ। अरे दोस्तों मैं आ गया बाहर और मुर्गी ने इधर ही बैठना था, मैं चाह रहा था कि मुर्गी दूसरे खुटे में बैठ जाती है, सील मुर्गा इसे ना तंग करता, अब मेरे पास और जगह नहीं है
कि मैं मुर्गे को कहीं और रखूँ, तो मुर्गा अब इसी के साथ रहेगा। अब देखते हैं, शायद ना तंग करे। तो यहाँ पर ये फ़ौरन बैठ गए, दूसरे खुडे में नहीं बैठ रही थी, इसने मेरी डबल मेहनत करवाई। और ये दोस्तों मुर्गी बैठी हुई है और दो अंडे इसने अभी नीचे नहीं किए, तो मुर्गा बाहर ही है, मुर्गा खुला हुआ है। और देखें हमारी इस मुर्गी भी ना अंडा देना था, वो कहाँ गई, नज़र तो नहीं आ रही, अभी बैठी हुई है। इस वजह से मैं नहीं चेक करूँगा, मुर्गी अंदर बैठी है, वो भी अंडा दे देगी, वो हम रख देंगे नीचे, तो इस तरह 8 अंडे हो जाएंगे मुर्गी के नीचे। ये मुर्गी बैठी हुई थी ना, इसने भी अंडा दे दिया, और इसे नहीं पता मैंने अंडा उठा लिया, थोड़ा सा शक है, लेकिन मैंने दोबारा वापस रख दिया था। अंडा मैंने पकड़ के मेरे पास है, अब दरवाज़ा मैं करता हूँ बंद और चुपचाप हम अंडा रख देते हैं इस मुर्गी के नीचे। और इस मुर्गी के नीचे कितने अंडे हो गए हैं अब, 5 थे और 3 हमें आज मिल गए हैं, मतलब 8 अंडे हो गए हैं आज इसके नीचे। ये मैं अंडा रख दूँ ज़रा, और ये अंडा मैंने रख दिया, लेकिन मुर्गी ने अभी नीचे नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो अब देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या करती है। और हवा चलना शुरू हो गई है, और अब मैं ज़रा ना पानी लगा दूँ ऊपर वाले खुडों में, क्योंकि ये रेत है और ये रेत उड़ेगी। और ये अब छाँव आ गई थी, इस वजह से मैंने जो चादरें बांधी थी वो मैं तार के पीछे कर दी। और ये हमारा मुर्गा खुला हुआ है, मुर्गी अभी भी बैठी हुई है, और मुर्गी ने इधर ही बैठना था, इसकी जगह चेंज हमने की थी, लेकिन वो नहीं, उसने कहा नहीं मैंने इधर ही बैठना, अब इसे हम इधर ही रखेंगे। और फिर उतनी देर तक मैंने ये दोरियाँ बहुत गंदी हो गई थी ना, धोलाया था, ये साफ़ हो जाए, साथ में पानी ने दिया। और इस मुर्गी के लिए, जो हमारी दोनों बीमार मुर्गियाँ हैं, इनके लिए मैंने क्या किया कि लहसुन को मैंने पीछ के ना छोटा छोटा करके लहसुन को, तो वह मैंने पानी के बीच मिक्स कर दिया, और ताकि लहसुन खाएँ और लहसुन पिए, तो अब मैं इन्हें खुराक भी डालूंगा और थोड़ा सा लहसुन बीच में कर दूंगा मैं मिक्स, तो लहसुन खाएं, लहसुन इनके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इनका हाजमा भी नहीं ठीक। तो अब सेहन में देखें कितना गंद पड़ गया, और अब ज़रा मैं ये सारा साफ कर दूं, क्योंकि ये मैंने आग जलाई थी उसका भी ये कचरा पड़ा होगा, ये भी मैं फेंकना है, और ये सारा सेहन ज़रा साफ़ कर लें। अब दोस्तों शाम हो गई है, तो जल्दी से मैंने ज़रा खाना डाल दूँ, क्योंकि देख रहे हैं मेरी तरफ, चूज़ों ने खा लिया था क्योंकि दोरी के बीच में डाल दिया था। और चूज़ों की देखें किस तरह ये फूल है, चूज़े और इसने भी खाया, इसे मैं थोड़ा डाल दी, इसने सही खाया। तो हमारी ये मुर्गियाँ लाइट ऑन करें, और इन्हें देखें इन्होंने क्या किया अभी, इन्होंने दोस्तों इतना को खाया बस, चेक करूँ इसकी पोट, पानी ज़्यादा, इसने सही खाया आज, इसने 200 सही खाया, तो अब वो भी खाए, थोड़ा ऐसे करते तो इसे नज़र आता रहे खा। तो अब हम दोस्तों इन्हें डालते हैं, और अपनी इन कुड़क मुर्गियों को और वो मुर्गियों को डालते हैं, जो कि देख रही हैं, बड़ी देख रही हैं कि हमें आज खाना नहीं मिला, 2 मिनट बस। अब यहाँ से हम पकड़ते हैं दोरियाँ, और यहाँ पकड़ते हैं, और ये डब्बा पकड़ते हैं, और ये मैं डाल के फिर आपको दिखाता हूँ। और ये दोस्तों इनके लिए मैंने डाल लिया है, अब इन्हें मैं रखूँ, और सबसे पहले हम इनके पास रखते हैं, और नहीं ये मैं ऊपर रखता हूँ, देखा मुझे पता था ये गिरेंगी नीचे। और ये लो भी आपका खाना, और तुम इधर ही शुरू हो गए, चलो अंदर, ये देखो अंदर, चलो भी इन्हें भी मिल गया, और ये खा रहे हैं। अब हम डालते हैं इन्हें, और थोड़ा सा पीछे कर लो, चलो भी तुम लोग भी खाओ, मुर्गा पीछे है, मुर्गे मेरा जाने का इंतज़ार कर रहा है, तो मैं चला जाता हूँ। और ये दोस्तों हमारे असील मुर्गे के लिए, मुर्गी ने काफ़ी खाया था और जाके बैठ गई थी, लेकिन फिर भी उठेगी ज़रूर वो, क्योंकि वो खाने की शौकीन मुर्गी है, खा के और फिर बैठ जाएगी। मैं चाह रहा था कि ये मुर्गी हमारे दूसरे कुटे में बैठती, यहाँ पर इसे मुर्गा तंग करेगा, लेकिन ये मुर्गी ने नहीं सुनी, मुर्गी ने इधर ही बैठना था,
वो देखिए पीछे अंडे, टोटल 8 अंडे पड़े हैं, 5 थे लेकिन 3 अंडे हमें आज मिले तो हमने वो भी यहीं रख दिए। और दोस्तों हमारी जो ये मुर्गी है ना, इसके पास एवरी टाइम, तो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको दरवाज़ा, इस मुर्गी के पास एवरी टाइम कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। और अभी भी इसके पास बाजरा है, तो अगर मैं इसे ना भी डालूँ चलेगा। तो और ये दोस्तों सबको खाना डाल दिया मैंने, चूज़ों को मैंने पहले डाल दिया था, उनका भी पेट भर गया, और जो हमारे तोते हैं इन्हें भी डाल दिया था, पानी भी इनका चेंज कर दिया और इन्हें हमने बाजरा डाल दिया था। और तोते इस टाइम खेल रहे हैं और ये इस टाइम अक्सर ही शोर मचाते हैं, ये देखें। और चूज़े भी हमारे काफ़ी खा पी के और अब पीछे हैं, ये देखें इसकी पोट कैसे भरी हुई है, क्योंकि मैंने इन्हें पहले डाल दिया था। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके खुदा हाफिज़। और इसे मैं दवाई खिलानी है, और इसे मैं दवाई खिला दूँ, ज़रा आ जा भी तू नीचे ना गिरना नीचे गिरने लगी थी, चल आ जा तुझे दवाई खिलाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आज भी करना और कमेंट करके बताना। बाय।